हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी ब्लॉगर। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। खेत में सैर सपाटा करने निकल गए थे हम और अभी हम जा रहे हैं घर। तो साथ में है बच्चे मेरे साथ और मैं, और साथ में ही हम आज फिर से लेके आए हैं ढेर सारे आंवले। ये देखिए, इतने सारे आंवले लेके आए आज हम फिर से। हमारे यहाँ पे जो है कल आज रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई, काफी बारिश हुई। तो बारिश होने से जो है ना फसलों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। और रात को बारिश हुई, सुबह मॉर्निंग में धूप लग गई, फिर तो उससे मतलब मजा आ गया, बारिश का भी और धूप का भी। ठंड भी नहीं है, बारिश भी हो गई, धूल जो धूल थी वो भी बैठ गई बारिश होने से, तो बहुत ही अच्छा हो गया। और ये देखिए आसमान का व्यू कुछ इस तरह से, आसमान पूरा नीला और कुछ एक सफ़ेद सफ़ेद बादल, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। आसमान से बहुत नीचे और बिल्कुल सफ़ेद, बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं देखने में। और पूरा आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है, कहीं नहीं है, बस ये हल्के से बादल हैं एक तरफ को। ये देखिए पूरा आसमान साफ है। और आज हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल रात के खाने में। तो ये रही मांग की दाल, हमारे यहाँ पे इसको मांग की दाल कहते हैं, वैसे उड़द की दाल है ये। तो इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और भीगने के लिए डाल दिया है। जैसे ये भीग जाएगी तो फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर बॉईल होने के लिए डाल देंगे कुकर में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दाल को उबालने के लिए। तो हम डाल देंगे कुकर में दाल और साथ में डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी। और फिर पानी डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी डालूंगी इसमें और फिर ढक्कन लगा के हम इसको पकने देंगे। 1 सीटी आने तक हम इसको फुल आंच में पकाएंगे। जैसे 1 सीटी आ जाएगी तो उसके बाद फिर इसकी आंच हम धीमी, गैस की आंच हम धीमी कर लेंगे और फिर 20-25 मिनट तक इसको पकने देंगे आराम से, जब तक दाल हमारी बॉईल होगी। तब तक हम यहाँ पे बना लेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसको हम बारीक पीस लेंगे। मैं हमेशा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमेशा कुंडी में ही बनाती हूँ, इस तरह से बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो ये रहा चावल का आटा, आटे को हम अच्छे से छान लेंगे। और आज हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल सा डिनर में। तो आज हम बना रहे हैं एंगुलू और मांग की दाल, मतलब चावल के बाबरू और मांग की दाल, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अब हम आटे को जो है मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे से गूंध लेंगे। तो इसी प्रोसेस में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी इसको और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते चलेंगे। इसी प्रोसेस में हम सारा आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए आटा हमारा बन रहा है। अभी आटा बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने में। तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मिक्स करना है। अभी हम इसमें और पानी डालेंगे और आटे को हमने लिक्विड करना है। तो ये देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है।
आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आटे को रेस्ट के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे तक। फिर आधे घंटे बाद बनाएंगे हम बाबरू। तब तक हमारी दाल जो है बॉईल हो चुकी है और हम दाल को लगा देंगे तड़का। तो ये देखिए दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे दाल को लगा लेंगे सिंपल सा तड़का। तड़का लगाने के लिए पैन में मैंने डाल दिया है तेल। तेल मेरा गरम हो चुका है। इसमें डाली मैंने मिर्ची, धनिया, मेथी दाना और साथ में जीरा। अब मैं इसको चटकने दूंगी अच्छे से और फिर इसमें हम डाल देंगे अब प्याज। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सुनहरा होने तक पकाएंगे इसे। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सुनहरा होने तक पकाएंगे। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तड़के ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी। हल्दी हमने पहले भी डाली है, थोड़ी सी हल्दी हम यहाँ पे और ऐड करेंगे। और अब लगा लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से तड़का। तो अब हम पैन में डाल देंगे दाल कुछ इस तरह से और इसको मिक्स कर ले और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर इस सारी दाल को हम डाल देंगे कुकर में। तो तड़का हमारा दाल को बिल्कुल सिंपल तरीके से लग चुका है। अब हम इस दाल को जो है बॉईल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माँ की दाल सिंपल तरीके से बनी हुई तैयार हो चुकी है। तो आटा भी तैयार हो चुका है हमारा एंकलू बनाने के लिए। तो एंकलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें तवे को अच्छे से साफ़ करना होता है, मतलब कि तवे को पत्थर के साथ रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। उसी के बाद हम एंकलू बनाना शुरू करते हैं। और तवा जब गर्म हो जाता है तो कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा घी लगा के पूरे तवे में घुमाया जाता है, जैसे कि मैंने घुमाया, और फिर कटोरी, करछी, किसी की भी सहायता से इस तरह से घोल को जो है आटे का जो मिश्रण है उसको तवे में इस तरह से डाला जाता है। फिर हाथों में हल्का सा पानी लगाया जाता है और मतलब पूरे उसके ऊपर हाथ घुमाया जाता है कुछ इस तरह से जैसे मैं घुमा रही हूँ। तो ये देखिए एंकलू हमारे बन रहे हैं कुछ इस तरह से और ये साइड से अपने आप पकना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही तवा छोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम इसको पलट लेंगे। चलिए पलट लेते हैं अब इसको अच्छे से। तो ये देखिए इसको तीन पलटे लगाते हैं, एक, दो और तीन। तीन पलटे लगाते हैं और तीन पलटे लगाने के बाद एंकलू हमारा बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। इसको माँ की दाल, माँ के भल्ले, शक्कर, गुड़, घी, दूध, जैसे अच्छा लगे वैसे खा लेते हैं। और इसी तरह से हम अपने पूरे के पूरे एंकलू बना लेंगे इसी प्रोसेस में।
और पीछे जो रखा है इसको तरमेड़ा कहते हैं, और ये हमेशा काला ही रहता है। हमारे घर का तो हमेशा काला ही रहता है, साफ़ करेंगे फिर से काला हो जाता है, साफ़ करेंगे फिर काला हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में आग बहुत ज़्यादा जलती है। मतलब सुबह 4 बजे आग जल जाएगी और दिन को 1-1.5 बजे तक आग जली रहती है, और फिर शाम को फिर से 4-5 बजे आग जल जाती है, और 10-10 बजे तक तो आग जली रहती है। तो ये काला ही रहता है, तो इसको आप अवॉइड करना। प्याज हम बना रहे हैं कलियों चावल के आटे से, और ये बहुत ही डिलीशियस सा खाना होता है। हम डिनर पे बना रहे हैं इसको, और ये देखिए कुछ इस तरह से बन रहे हैं हमारे इन कलियों चावल के बाबत। ये कुछ हमने बना दिए, बच्चे हमारे खाने चले जा चुके हैं और अभी बन रहे हैं, तो बस गर्म गर्म खाएंगे इसको माँ की दाल के साथ। वैसे तो माँ के भले भी बनाते हैं, पर आज तो हमने नहीं डाले, अचानक से हमारा प्रोग्राम बना इसको बनाने का, तो फिर कभी हम माँ के भले के साथ खाएंगे इसको। इसको माँ की दाल के साथ, घी शक्कर के साथ, दूध के साथ, जिसको जैसे अच्छा लगे उसको, वो अपने अकॉर्डिंग इसको खा लेता है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको खा लेता है। तो चलिए हमारे बाबू बन रहे हैं, एंकलियाँ बन रही हैं, और खाएंगे इसको माँ की दाल और घी, गुड़, दूध, जिस किसी के भी साथ खाएंगे तो आपको बताएंगे कि हमने किसके साथ खाया। तो ये देखिए हमारा काम तैयार, और ये देखिए एंकलू बनके तैयार हैं, तो आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए एंकलू। और ये रही मेरी प्लेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।